माता के डीओडी स्कीम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी डीओडी स्कीम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार द्वारा सेना बहाली के नाम पर निकाले गए अग्निपथ कार्यक्रम का गुमला जिले में भी बहिष्कार आरंभ हो गया। सेना में बहाली की तैयारी कर रहे युवाओं ने शनिवार को शहर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार की नीतियों को गलत ठहरा दिया। इस अवसर पर टावर चौक से युवाओं द्वारा शहर के विभिन्न मार्गों में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा नेल्सन भगत ने कहा कि अग्निपथ योजना में सेना में जाने वाले युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2019 में सेना में भर्ती हुए बहाली प्रक्रिया में कई अभ्यर्थी सभी तरह की परीक्षा पास कर लिया है और केवल लिखित परीक्षा बाकी है। सरकार पहले पुराने वैकेंसी को पूरा करे ताकि जो सफल है उन्हें रोजगार मिल सके। विकास कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना से देश में बेरोजगारी बढ़ेगी तथा 25% युवा को इस योजना से लाभ मिल सकेगा, बल्कि 75% युवा अग्निपथ योजना से रोजगार प्राप्त करने के बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में युवा मुख्य धारा से भटक जाएंगे और गलत दिशा का चयन कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। जो रैली देख रहे हैं वो झारखंड के गुमला जिला के में आयोजित किया गया है और हम सभी युवाओं का यही मांग है कि जो टीओडी जो लागू हुआ है केंद्र सरकार के तरफ से, उस लागू के तहत युवाओं का 4 साल का जो ट्रेनिंग होगा, 4 साल का जो ज्वाइनिंग होगा, उसके बाद जो भी युवा जो 25% में नहीं आएंगे, जो 75% में आएंगे, जो वापस आ जाएंगे अपने घर अपने राज्य, उनका क्या होगा? वो तो यही करेंगे, या तो उनको बेरोजगारी से तंगी आकर कुछ गलत कार्यों में आ जाएंगे या तो फिर कुछ गलत कदम उठा लेंगे। तो मेरा केंद्र सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से आपका पूरा कार्यशैली 5 साल की होती है, उसी तरह से जैसे पहले जैसे था वैसे ही आर्मी भर्ती किया जाए, क्योंकि आर्मी आप देश की सुरक्षा से देश का जो अति होता है उससे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी जहां भी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से करिए, ताकि हमारा बात ऊपर तक पहुंच सके। और मैं इस चीज से आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे देश के सर्वोच्च जो राष्ट्रपति है उन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो एग्जाम नहीं हुआ है आर्मी भर्ती का संपूर्ण होने के साथ, वो एग्जाम दिया जाए और टीओडी को वापस कर किया जाए। इससे क्योंकि युवा इससे संतुष्ट नहीं है। अगर युवा संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कल के आने के दिन में युवा फिर रुख करेंगे और इसकी खामियाजा केंद्र सरकार को भुगतनी पड़ेगी। मेरा नाम विकास कुमार साहू। तो अभी आर्मी अभ्यर्थियों के लिए जो नया नियम कानून बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, टीओडी स्कीम जिसको अग्निपथ स्कीम भी कहा जाता है, उसके द्वारा सिर्फ आर्मी का जो जॉब है मात्र 4 साल का होगा। तो आर्मी अगर 4 साल करने के बाद कोई युवा, अगर मांग सर मेरा साल 21 साल है और हम 21 साल के बाद अगर जॉब वर्क आते हैं 25 साल में आने के बाद हम क्या करें? और साथ में 2019 में जो दौड़ हुआ था आर्मी का पहली दौड़, उसमें बहुत सारे लड़के लोग निकाले थे, उसमें वो लोग रनिंग निकाल लिए, मेडिकल सब कुछ होने के बाद सिर्फ उन लोग का एग्जाम बाकी है। और जब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा तब तक बच्चे लोग का नौकरी कैसे लगेगी? और जब तक हम लोग का एग्जाम करा दिया जाता है तो हम लोग अभी वहाँ पर जॉब करते और ये एग्जाम नहीं हो रहा। जो हम लोग चाहते हैं केंद्र सरकार से कि वो एग्जाम कराया जाए ताकि हम लोग का लाइफ सेट हो सके और हम लोग भारत माँ का नाम रोशन कर सके। जय हिंद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।